दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को टॉप 5 स्मार्टफोन्स ऐसे बताने वाला हूं जो आप लोग दिसंबर 2019 या नवंबर 2019 में खरीद सकते हो। सो बिना किसी देरी करे लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों फिफ्थ नंबर पर आता है यहां पर MI A3। जी हाँ दोस्तों MI A3। दोस्तों इसमें आपको 6.01 इंच का HD+ स्क्रीन देखने को मिल जाता है और ये कोई IPS स्क्रीन नहीं है दोस्तों, ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो कि प्रोटेक्टेड है गोरिल्ला ग्लास 5 से। जी हाँ दोस्तों गोरिल्ला ग्लास 5 इसमें ना केवल सिर्फ आपको आगे बल्कि इसकी बैक पे भी गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। दोस्तों बात करूँ अगर व्यूइंग एंगल्स की तो आपको साइड से देखने में कोई भी इशू नहीं होने वाला है जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूँ मूवीज़ की या फिर बात करूँ गेम्स की, आप कुछ भी खेलो या कुछ भी देखो आपको जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अमेजिंग होने वाला है क्योंकि इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। दोस्तों क्योंकि इसमें हमें एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है तो यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलता है और जैसा आप देख सकते हैं इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की स्पीड काफ़ी फास्ट है, 0.3 या 0.5 सेकंड में ये आपकी स्क्रीन को अनलॉक कर देता है जो कि काफ़ी अमेजिंग बात है। दोस्तों वहीं पर अगर मैं बात करूँ रेजोल्यूशन की, इसमें आपको HD+ डिस्प्ले मिलता है। मेरे को पता नहीं कि MI ने HD+ डिस्प्ले क्यों दिया बल्कि इस रेंज में आजकल सभी में फुल HD+ डिस्प्ले तो एटलीस्ट देखने को मिल ही रहा है, तो चलो अब दे दिया तो कोई बात नहीं यार, इसी के साथ काम चलाना पड़ेगा। दोस्तों इसमें हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है जहाँ पर जो मेन कैमरा है वो है 48 मेगापिक्सल का, साथ में एक 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा और साथ ही में एक 2 मेगापिक्सल का बोके मोड। अब दोस्तों बात करते हैं अगर इसकी कैमरा क्वालिटी की तो यहाँ पर MI ने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है क्योंकि जो कैमरा क्वालिटी है वाकई में काफ़ी अच्छी है। हम लोगों ने इसको पूरा टेस्ट किया है उसके बाद आप लोगों को बता रहे हैं जो कैमरा क्वालिटी दोस्तों उससे आप बिल्कुल निराश नहीं होने वाले हैं। ओके गाइस तो अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो भाई इसमें हमें देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 665 जो कि एक स्नैपड्रैगन 660 का इम्प्रूव वर्जन है। तो गाइस अगर बात करूँ इस प्रोसेसर के बारे में तो इसका इंटूटू स्कोर आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो और अगर बात करते हैं उसकी गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में तो गाइस यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। आप सारी गेम को एटलीस्ट मीडियम सेटिंग पर बहुत आसानी से खेल पाओगे, कुछ गेम्स को आप हाई सेटिंग पर भी खेल पाओगे, लेकिन दोस्तों इस बजट में अभी हमें काफ़ी अच्छे इससे भी अच्छे इनफैक्ट प्रोसेसर देखने को मिल रहे हैं। सो आई डोंट थिंक कि ये प्रोसेसर आपको वो वाली गेमिंग करवाएगा जो आपको और अच्छी गेमिंग वाले प्रोसेसर करवा देंगे। तो गाइस अब बात करें UI के बारे में, तो जैसा कि ये MI का A3 फोन है A सीरीज़ के फ़ोन में स्टॉक एंड्रॉयड देखने को मिलता है तो यहाँ पर भी हमें स्टॉक एंड्रॉयड देखने को मिल जाता है। और दोस्तों इसमें हमें MI UI ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता, प्योर स्टॉक एंड्रॉयड देखने को मिलता है जो कि रन कर रहा है एंड्रॉयड 9 पर और यहाँ पर आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम देखने को बिल्कुल मिलने वाले हैं। और दोस्तों बात करूँगा स्टॉक एंड्रॉयड के बारे में तो काफ़ी लोगों को पसंद है क्योंकि काफ़ी क्लीन और सिंपल है, बट काफ़ी लोग ऐसे जिनको ये नहीं पसंद जस्ट बिकॉज कि इसमें आप थोड़ी कस्टमाइजेशन ज़्यादा नहीं कर सकते, तो ये आप पे डिपेंड करता है बेसिकली। पर अगर मेरे से पूछो तो मेरे को स्टॉक यूनिट काफ़ी पसंद है क्योंकि मेरे को इतनी कस्टमाइजेशन दोस्तों पसंद नहीं आती। अब दोस्तों बात करूँ इस फ़ोन के ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में, दोस्तों फ़ोन काफ़ी अच्छा है, अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है इसलिए मैंने इसको फिर पोजिशन पर रखा है। फ़ोन में दोस्तों कुछ खास कमी नहीं है सिर्फ इसकी HD रेजोल्यूशन वाली स्क्रीन को छोड़कर, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि इस प्राइस पॉइंट में कोई और कंपनी ऐसी है जो HD स्क्रीन देती है। सो गाइस फोर्थ पोजीशन पर यहाँ पर आता है सैमसंग M30S। जी हाँ दोस्तों M30S। तो गाइस बात करूँ इस फ़ोन के बारे में तो फ़ोन काफ़ी अच्छा है, इसमें आपको प्लास्टिक बैग देखने को मिल जाती है जो कि इस प्राइस पे थोड़ा सा मतलब अब ठीक नहीं लगता बिकॉज सारे फ़ोन अब ऑलमोस्ट ग्लास बैग के साथ आ रहे हैं। दोस्तों ओवरऑल ये फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि चीप क्वालिटी प्लास्टिक का यूज़ किया है, जो प्लास्टिक है वो काफ़ी अच्छा है। पर दोस्तों बात फिर वही पड़ जाती है कि प्लास्टिक पे आपके स्क्रैच आने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों बैक पे हमें एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है और जो उसका फ्रेम है वो भी प्लास्टिक से ही बना है। तो गाइस अगर आप इस फ़ोन को लेते हो तो यार प्लीज़ कवर लगा के रखना बिकॉज प्लास्टिक बैक है तो कभी भी स्क्रैच आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, फिर एक बार स्क्रैच आ जाते यार तो फ़ोन इतना अच्छा नहीं दिखता। कहीं से बात करूँ इसके कैमरा के बारे में तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जिसमें जो फर्स्ट मेन कैमरा है वो है 48 मेगापिक्सल का, सेकंड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा और जो थर्ड कैमरा है वो है 5 मेगापिक्सल का बोके मोड के लिए। हमें ट्रिपल स्लॉट देखने को मिल जाता है मतलब आप 2 सिम तो लगा ही सकते हैं और साथ में एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं जिसको आप 512 GB तक एक्सपेंड कर पाएंगे, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। दोस्तों यही नहीं हमें यहाँ पर टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि आजकल हर ही फ़ोन में टाइप सी आने लग गया है। बात करूँ इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर के बारे में तो फिंगरप्रिंट स्कैनर की स्पीड काफ़ी फास्ट है, बट पता नहीं क्यों इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर थोड़ा सा ऊपर लगता है, थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर प्लेस किया हुआ है, मतलब आपको उंगली थोड़ी स्ट्रेच करनी पड़ेगी। दोस्तों इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर 3.5mm जैक भी देखने को मिल जाता है जिसमें आप बहुत आसानी से यहाँ पर कोई भी हेडफोन लगा पाएंगे और उसके गाने को या म्यूज़िक को मूवी को किसी भी चीज़ को अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। दोस्तों अब आते हैं इसकी डिस्प्ले की तरफ, तो यहाँ पर दोस्तों हमें 6.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है
और दोस्तों जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, आई मीन सैमसंग के फ़ोन की डिस्प्ले तो वैसे ही काफ़ी अमेजिंग होती है, उसी तरह दोस्तों यहाँ पर भी जो डिस्प्ले यूज़ किया गया है वो काफ़ी अच्छा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड मिलता है, तो जितने भी दोस्तों यहाँ पर ब्लैक है वो काफ़ी डीप ब्लैक होते हैं, और जितने भी यहाँ पर कलर रिप्रोडक्शन है वो काफ़ी एक्यूरेट है। इसको दोस्तों मैंने डायरेक्ट सनलाइट में भी टेस्ट किया है और यहाँ पर भी आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती है, यहाँ पर भी आपको डायरेक्ट सनलाइट में आप बहुत आसानी से स्क्रीन को देख पाओगे। दोस्तों चाहे आप इसमें मूवी देखो या कोई सा भी गेम खेलो, जो डीप ब्लैक है और जितने भी कलर रिप्रोडक्शन है सुपर एमोलेड के थ्रू, वो काफ़ी अमेजिंग आपका एक्सपीरियंस होने वाला है। अब दोस्तों बात अगर मैं करूँ यहाँ पर यूआई के बारे में, दोस्तों इस फ़ोन में आपको सैमसंग का वन यूआई देखने को मिल जाता है, जो कि अभी हाल ही में सैमसंग ने खुद बिल्डअप किया है। और अगर मैं बात करूँ इस यूआई के बारे में, तो ये यूआई में फ्लैगशिप फ़ोन में देखने को मिलता है, S10 और S9 की सीरीज़ में हमें ये देखने को मिलता है, और वही एक्सपीरियंस सेम एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर इस रेंज में सैमसंग प्रोवाइड कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इस यूआई के बारे में, तो यूआई जो पहला वाला सैमसंग का यूआई था उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव वर्जन है ये, और यहाँ तक दोस्तों इस यूआई में जो बग्स है वो काफ़ी कम कर दिए गए हैं। हालांकि जो दोस्तों यूआई है इसमें अभी भी बग्स है, लेकिन पहले के मुकाबले काफ़ी कम है, और जो एक्सपीरियंस है वो यूज़र इंटरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुका है। दोस्तों अगर बात करूँ यहाँ पर, तो बेसिकली वन यूआई को सिंगल हैंडेड मोड की तरह यूज़ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ किया गया है, आई मीन आप इसको एक तरह से एक हाथ से ही यूज़ कर पाएंगे। अगर मैं बात करूँ नोटिफिकेशन पैनल की, तो आप उसको एक हाथ से नीचे पुल कर पाएंगे, और इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स भी दिए, जैसा आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन पैनल में ही ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन ऑफ का फीचर यहाँ पर दिया गया है। और दोस्तों यही नहीं, स्पीकर में यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस भी प्रोवाइड किया गया है। अब दोस्तों क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले है तो यहाँ पर हमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी देखने को मिलता है। दोस्तों अब अगर बात करूँ मैं यहाँ पर परफॉर्मेंस को लेकर, तो दोस्तों इसमें हमें जो प्रोसेसर मिला है वो एक्जोनस 9611, जो कि एक इम्प्रूव प्रोसेसर है, जो कि पहले सैमसंग M30 में लगा था, जो कि 700 सीरीज़ का था, तो उससे ये काफ़ी बेटर प्रोसेसर है। और दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ इसके प्रोसेसर की N22 बेंचमार्क स्कोर के बारे में, तो आप पहले देख ही चुके हो। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पबजी के बारे में या गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, तो दोस्तों ये आपकी सारी गेम्स को हाई सेटिंग में बहुत ईजिली चला देगा। ये पिछले M30 जैसा नहीं है, उसका प्रोसेसर दोस्तों काफ़ी वीक था, आपकी सारी गेम को मीडियम सेटिंग पर चलाता था, और उसमें भी हमें काफ़ी फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलते थे। पर दोस्तों अगर मैं इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, तो जैसा आप देख रहे हो दोस्तों गेम काफ़ी स्मूथ है। हालांकि अगर आप इसको हाई सेटिंग पे खेलते हो, तो यहाँ पर दोस्तों हमें थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप इसको मीडियम सेटिंग्स पे रख के खेलोगे तो काफ़ी स्मूथ चलेगा। इनफैक्ट अगर आप इसके ग्राफिक को स्मूथ पे रखोगे और साथ ही में फ्रेम रेट को बिल्कुल हाई या जो भी मैक्स सेटिंग आती है उस पर रखोगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलेगा। और दोस्तों जैसा आप देख रहे हो, ये मैं एक छोटा सा आप लोगों को गेम प्ले दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भी आइडिया लग जाए कि गेम इसमें किस तरह से चलती है। हालांकि दोस्तों जो मेरा अकाउंट है, मैं बता दूं बिल्कुल शुरू से मतलब खेल रहा हूं मैं, तो मतलब मोस्टली स्टार्टिंग में बॉट ही मिलते हैं, बिकॉज मेरी जो लीग है वाइक ब्रॉन्ज या सिल्वर में ही होगी, तो स्टार्टिंग में हमें मतलब बॉट्स ही मिलते हैं दोस्तों, तो बॉट्स के साथ इतना ज़्यादा गेम अटकता नहीं है, इतना ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप नहीं होता है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ ओवरऑल इस फ़ोन के बारे में, तो फ़ोन काफ़ी अच्छा है, अपने प्राइस पॉइंट को ये भी जस्टिफाई करता है। और अगर आप लोगों को एक सैमसंग फ़ोन लेना है, एक सैमसंग फ़ैन हो अगर आप, तो डेफिनेटली आप इस फ़ोन की तरफ जा सकते हो अंडर 15,000 की रेंज में। हालांकि सैमसंग A50 भी है, जो कि अभी ऑलमोस्ट 16,000 समथिंग प्राइस है उसका, तो आप वो भी एक बार देख सकते हो। तो दोस्तों अगला फ़ोन यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर निकल कर आता है, Realme 5 Pro, जो कि दोस्तों आपको 14,000 के आसपास की रेंज में देखने को मिल जाता है। और दोस्तों ये फ़ोन भी आपको यहाँ पर पीछे से प्लास्टिक बैक में देखने को मिलता है, इसकी बैक भी दोस्तों प्लास्टिक से बनी हुई है, इनफैक्ट जो फ्रेम है वो भी प्लास्टिक से बना हुआ है। दोस्तों बात करूँ इसके डिस्प्ले के बारे में, दोस्तों इसमें आपको IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, सुपर एमोलेड एमोलेड डिस्प्ले का यहाँ पर यूज़ नहीं किया गया है। बात करूँ यहाँ पर पोर्ट के बारे में, तो यहाँ पर 3.5mm जैक आपको देखने को मिल जाता है, वहीं पर साथ ही में USB टाइप सी देखने को मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों बात करूँ अगर मैं इसके सिम टूल्स के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों आपको 3 स्लॉट्स मिलते हैं, जिसमें आप 2 सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड एक साथ लगा पाएंगे, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है। इसमें आपको दोस्तों सोनी का IMX586 सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है दोस्तों, जो मेन कैमरा है वो है यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का, जो दूसरा कैमरा है दोस्तों वो है यहाँ पर वाइड एंगल कैमरा, जो दोस्तों तीसरे लेंस का यहाँ पर यूज़ किया गया है वो है यहाँ पर माइक्रो लेंस के लिए, और जो चौथा लेंस है दोस्तों वो यहाँ पर बोके मोड के लिए यूज़ किया गया है। और दोस्तों आपको यहाँ साथ में वूक फ्लैश चार्ज भी देखने को मिल जाता है, जो कि आपके फ़ोन को ऑलमोस्ट 1 घंटा 10 मिनट से 20 मिनट के बीच में चार्ज करके दे देगा। दोस्तों जो इसकी लुक है वो पीछे की काफ़ी चेंज करी गई है, क्रिस्टल लुक में आपको बैक देखने को मिलता है, जो बैक है वो काफ़ी अमेजिंग है, आई मीन इन हैंड फील इसमें काफ़ी अच्छी आती है। दोस्तों बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों आप N22 स्कोर तो देख ही सकते हो। अगर मैं बात करता हूँ इसकी स्पेसिफिक गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, तो दोस्तों जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर मैं PUBG प्ले कर रहा हूँ, ग्राफिक्स हाई है, आई मीन ग्राफिक्स हमारे HD पे है और फ्रेम रेट्स हमारे हाई है,
तो जैसा आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पर किसी भी तरह का लैग देखने को नहीं मिलता क्योंकि इसमें स्नैपड्रैगन 712 AI प्रोसेसर का यूज़ किया गया है। दोस्तों इस गेम को आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर बिना फ्रेम ड्रॉप के यहाँ पर देख पाओगे। हालांकि कुछ फ्रेम ड्रॉप होते हैं बट इसमें प्रोसेसर का मिस्टेक नहीं है यार, इसमें बेसिकली पबजी में अभी भी काफ़ी बग्स है जिसकी वजह से यहाँ पर छोटे बहुत फ्रेम ड्रॉप्स आपको देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों बात करता हूँ यहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में, तो परफॉर्मेंस काफ़ी स्मूथ देखने को मिलती है। इनफैक्ट आप लॉन्ग आवर्स तक अगर गेम खेलते हो तो भी दोस्तों हीट होने के बाद फ़ोन यहाँ पर फ्रेम ड्रॉप नहीं करता है। स्मूथ पे रख के खेलते हो तो यहाँ पर आपको अल्ट्रा की सेटिंग्स भी देखने को मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पर फिर आपको फ्रेम ड्रॉप बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। दोस्तों ओवरऑल अगर मैं इस फ़ोन के बारे में बात करूँ तो इस फ़ोन में दोस्तों सभी कुछ अच्छा है। इसमें दोस्तों अगर एमोलेड स्क्रीन होती तो बिल्कुल मज़ा ही आता, लेकिन उसके बिना भी दोस्तों फ़ोन काफ़ी अच्छा है। अगर आप एक रियलमी का फ़ोन ढूंढ रहे हैं इस प्राइस पॉइंट में तो इससे अच्छा फ़ोन दोस्तों अभी आपको कोई देखने को नहीं मिलने वाला। अंडर 14 के दोस्तों बेस्ट फ़ोन है रियलमी का। दोस्तों बात करूँ अगर मैं यहाँ पर सेकेंड पोजिशन को, तो यहाँ पर दोस्तों सेकेंड पोजिशन पर आता है रेडमी नोट 8 प्रो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रेडमी नोट 8 प्रो सेकेंड पोजिशन पर है। और बात करूँ इस फ़ोन के बारे में तो फ़ोन दोस्तों काफ़ी अमेजिंग है। अगर मैं इसकी बैक के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको ग्लास बैक देखने को मिलती है विद गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन। और दोस्तों बात करूँ अगर फ्रंट की तो वहाँ पर भी गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल जाती है। और दोस्तों जैसा आप देख रहे हो इसमें एक नॉच भी है, हालांकि फुल स्क्रीन का ज़माना है यार, फुल स्क्रीन आ जाना चाहिए। और दोस्तों बात करूँ अगर इसके सिम स्लॉट्स के बारे में तो यहाँ पर दोस्तों आपको ट्रिपल स्लॉट नहीं देखने को मिलता है, इनफैक्ट यहाँ पर हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिलता है। या तो आप यहाँ पर अपनी दो सिम लगा पाएंगे या फिर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड को मिलता है। 6.53 इंच का IPS LCD डिस्प्ले। दोस्तों यहाँ पर हमें AMOLED डिस्प्ले नहीं मिलता, पर यहाँ पर फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। दोस्तों डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करूँ तो यार क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। आई मीन जो कलर रिप्रोडक्शन है वो भी काफ़ी एक्यूरेट है, और आपको अगर मैं साइड व्यूइंग एंगल्स दिखाऊं तो वो भी आपको आसानी से विजिबल है। दोस्तों बात करूँ अगर मल्टीमीडिया क्वालिटी के बारे में तो यहाँ पर चाहे मूवीज़ खेलो या फिर चाहे कोई सा भी गेम खेलो, जितना भी कलर रिप्रोडक्शन है वो सारा एक्यूरेट है और यहाँ पर आपको किसी भी तरह का इशू फेस नहीं होने वाला। दोस्तों बात करें अगर परफॉर्मेंस को लेकर तो यहाँ पर हमें मीडियाटेक का G90T ऑक्टोकोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जिसके साथ माली का G76 GPU यहाँ पर लगाया गया है। और दोस्तों परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ यार तो आपको डे टू डे लाइफ में किसी भी तरह का इशू फेस नहीं होने वाला है, चाहे अगर आप वो हैवी गेमर या फिर अगर आप वो नॉर्मल यूज़र तो भी आपको किसी भी तरह का इशू फेस नहीं होने वाला। अब अगर पर्टिकुलर दोस्तों मैं यहाँ पर गेमिंग परफॉर्मेंस को लेकर बात करता हूँ तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये प्रोसेसर बहुत आसानी से सारी गेम्स को वेरी हाई सेटिंग्स पर या फिर अगर पबजी की उसमें बोलूँ तो सारी गेम्स को अल्ट्रा सेटिंग्स पर खिलवा देगा बहुत ही आसानी से, यहाँ तक HDR सेटिंग पर भी आपको खिलवा देगा। दोस्तों अब बात करता हूँ अगर इसके UI पे, तो यहाँ पर आपको MIUI 10.4 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है जो कि बेस्ड है Android 9 Pie पर। अब दोस्तों बात करें अगर MIUI की तो ये तो हम सभी को पता है कि दोस्तों उसमें कितनी सारी हमें कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है 64 MP का, साथ में एक अल्ट्रा वाइड कैमरा जो कि है 8 MP का और एक मैक्रो लेंस 2 MP का, और साथ ही में एक डेप्थ कैमरा है आपके बोके मोड के लिए 2 MP का। बात करूँ अगर फ्रंट कैमरा की तो यहाँ पर आपको 20 MP का कैमरा देखने को। और दोस्तों इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आपको फ़ोन खरीदना है तो आप नीचे दिए गए लिंक से भी खरीद सकते हो। दोस्तों बात करते हैं अगर फर्स्ट पोजीशन की, तो यार यहाँ पर मैंने Realme XT को फर्स्ट पे रखा है। आप लोग सोच रहे होंगे यार मैंने Realme XT को फर्स्ट पे क्यों रखा है, Redmi Note 8 Pro को क्यों नहीं रखा, तो इसके जितने भी रीजन्स हैं मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, तो देखते रहिए। दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेकर, तो यहाँ पर दोस्तों ग्लास सैंडविच डिज़ाइन हमें देखने को मिल जाता है जिसमें जो बैक है वो भी ग्लास है। इनफैक्ट आगे और पीछे दोनों ही गोरिल्ला ग्लास 5 का यूज़ किया गया है, तो ये एक बहुत ही सॉलिड बात है। और यार अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसके डिस्प्ले के बारे में, दोस्तों यहाँ पर आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है डिस्प्ले क्वालिटी। अगर मैं कंपेयर करूँ इसको एक IPS डिस्प्ले से तो यार डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इनफैक्ट जो इसके ब्लैक्स है वो काफ़ी ज़्यादा डीप है, और अगर आप इसको अंधेरे में देखोगे तो पता नहीं चलेगा कि यार कि फ़ोन के ब्लैक और एक्चुअल अंधेरे में क्या डिफरेंस है। और दोस्तों क्योंकि इसमें AMOLED डिस्प्ले का यूज़ किया गया है तो यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी यहाँ पर कंपनी ने दिया है। और दोस्तों इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की जो स्पीड है वो जो कंपनी कहती है रियलमी की 0.2 सेकंड्स में अनलॉक हो जाता है, तो जी हाँ दोस्तों 90% केसेज में 0.2 सेकंड में ही अनलॉक होता है। आई मीन इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। और दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ इसके अनलॉक एनिमेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर करीब 5-6 तरह के आपको अनलॉक एनिमेशंस यहाँ पर दिखा दिए गए हैं जिसमें से आप कोई सा भी जो आपको पसंद हो वो लगा सकते हो। अब दोस्तों बात करता हूँ यार अगर मैं इसके चार्जिंग को लेकर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और अगर बात करता हूँ इसकी चार्जिंग स्पीड को लेकर, तो जी हाँ दोस्तों यहाँ पर वूक चार्जर आपको देखने को मिल जाता है जिसके मदद से आप पूरे फ़ोन को 1 घंटा 20 मिनट के आसपास में पूरा चार्ज कर पाएंगे। और दोस्तों यही नहीं, मैं आपको इसका बैटरी बैकअप के आपको स्टैट्स दिखा देता हूँ।
अब अगर बात करूँ दोस्तों मैं इसकी परफॉर्मेंस को लेकर, तो यहाँ पर दोस्तों स्नैपड्रैगन 712 AI प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। और दोस्तों बात करूँ अगर मैं इस प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पर ये आपको सारी गेम्स बहुत ईजिली खिलवा देगा, सारी गेम्स को HD सेटिंग्स पर एटलीस्ट बहुत आसानी से खेल देगा। और बात करता हूँ इसके डे टू डे यूजेज के बारे में, तो यहाँ पर किसी भी तरह की आपको दिक्कत या किसी भी तरह का लैग फेस नहीं करने वाले, बिकॉज ये जो प्रोसेसर है दोस्तों काफ़ी बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर भी है, और ये स्नैपड्रैगन 710 से काफ़ी इंप्रूव वर्जन है। इसमें आपको ट्रिपल स्लॉट देखने को मिल जाते हैं, जिसकी मदद से आप इसमें दो सिम और एक मेमोरी कार्ड साथ में लगा पाएंगे। अब दोस्तों बात करता हूँ मैं उन रीजन जिसके लिए दोस्तों मैंने इसको फर्स्ट पे रखा है, ना कि रेडमी नोट 8 प्रो को। दोस्तों सबसे बड़ी बात है डिस्प्ले। बात करूँ दोस्तों डिस्प्ले को लेकर, तो यहाँ पर दोस्तों डिस्प्ले में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है अगर मैं दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करता हूँ तो। इसकी डिस्प्ले में दोस्तों कलर बहुत ज़्यादा उभर कर आता है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा लगता है। और वहीं पर बात करूँ अगर रेडमी नोट 8 प्रो की डिस्प्ले के बारे में, तो उसकी डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छी है यार, बट एमोलेड तो एमोलेड होता है। और बात करता हूँ दोस्तों अब अगर और फीचर्स के बारे में, इसको मैंने फर्स्ट पे इसलिए रखा है दोस्तों क्योंकि इसमें स्नैपड्रैगन 712 है। अब मेरे को पता है जो मीडियाटेक का प्रोसेसर उसमें लगा हुआ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और स्पेशली गेमिंग के लिए बना हुआ है, और इसके मुकाबले में काफ़ी अच्छा है। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर डे टू डे यूसेज के बारे में, तो हर कोई यार फ़ोन में गेमिंग नहीं करता। एंड अगर मैं एक एवरेज पर्सन के हिसाब से देखूँ, तो वहाँ पर अगर वो हल्की बहुत गेम भी खेलेगा, इनफैक्ट हाई लेवल पे भी खेलना चाहेगा गेम को, तो स्नैपड्रैगन 712 इतना कैपेबल है कि वो सारी गेम्स को बहुत ईजिली प्ले कर देगा विदाउट एनी FPS ड्रॉप। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर हमें वूक चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। अब दोस्तों बात करूँ इसकी प्राइसिंग को लेकर, तो यहाँ पर ये फोन आपको 16,000 का फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप बोल रहे होंगे कि यार मैंने वीडियो बनाई अंडर 15,000 की, तो दोस्तों इसका रीज़न ये है कि काफ़ी बार आपको ये फ्लिपकार्ट पे या तो सेल में 15,000 का देखने को मिल जाता है, या फिर आपको 10% HDFC कैशबैक या समथिंग कुछ भी आपको मिल जाता है, तो मतलब 1,000 रुपये आपके जस्ते से कम हो जाते हैं कई बार, तो इस वजह से मैंने इसको 15,000 के अंडर रखा है। तो दोस्तों अब अगर बात करें कंक्लूजन की, तो आप लोग बताइए आपके हिसाब से फर्स्ट पोजीशन कौन डिजर्व करता है, रेडमी नोट 8 प्रो या फिर रियलमी XT। तो दोस्तों बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, और ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जितने भी फोन का यहाँ पे मैंने नाम लिया है सबका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से भी बाय कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।